हेलो, आई थिंक कल हमारी वीडियो स्टॉप से यहाँ से कंपल्सरी फंक्शन से ठीक है, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। पर आपको एक डाउट था, क्या डाउट था, क्या डाउट था आपका? कुछ अच्छा सा डाउट था आपका, मैं भूल गया। हाँ, कि मेयर वो चेयरमैन और द एल्डर पर्सन जो होते हैं, जो भी वहाँ के काउंसलर होते हैं, वो अपने आप को सेलेक्ट क्यों नहीं करते, सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं? सपोज नहीं कर सकते हैं, सपोज करो क्लास में क्लास के जो मॉनिटर होते हैं, सपोज करो कि एल्डरमैन और क्या कहते हैं काउंसलर सारे स्टूडेंट है, एक क्लास के स्टूडेंट है, ठीक है। तो जो मॉनिटर होता है, क्या वो क्लास से बाहर आता है उन स्टूडेंट्स में से कोई एक ही बनता है? यानी मॉनिटर वॉज वन फर्स्ट स्टूडेंट। मैंने कल ऐसा एक सेंटेंस में लिखा भी था कि जो मॉनिटर है उस टाइम पर, वो एक टाइम पर एक नॉर्मल स्टूडेंट भी था किस टाइम पर। तो वहाँ पर देखा जाता है कि सब लोग अपने अपने नहीं कह सकते, सबों को जो लगता नहीं कि नहीं हमसे बेटर ये है, बेसिकली जो गांव में से लीडर बना रहे हैं वो गांव के बहन ना ये बना रहे हैं ना, तो अगर लगता है कि नहीं सब लोग ये थोड़ी हर काम में मैं बेटर हूँ, नहीं लोग ये सोचते होंगे कि नहीं ये इंसान है, ये इंसान है जो जो इन कामों में अच्छा है। तो ये नहीं कि सब अपने अपने बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, अगर ऐसे बेनिफिट के बारे में सोचेंगे तो कभी लीडर बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो गाँव में सब लोग अपनी रयामंदी से अपने कंसेंट से एक इंसान को इलेक्ट करते हैं, एक इंसान को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सर एक ही क्यों करने, हो सकता है सर वहाँ पे ग्रुप बने हुए हो, एक से एक ग्रुप वाला नहीं, ये इंसान से एक ग्रुप वाला कहता हाँ तो ठीक है, चार लोग खड़े हो गए। तब तो देखा जाए तो मेजोरिटी कि चार ग्रुप से चार लोग खड़े हो गए, अब देखेंगे चार में सबसे ज्यादा वोट किसको, तो जो ज्यादा बनेगा, तो जो ज्यादा बनेगा वो जीतेगा। अब वो तो कम मेयर से बनेगा, अब वो पहले वो क्या होगा नॉर्मल काउंसिल या एल्डरमैन ही होगा, अब के कंसेंट एल्डर बनेगा तो के कंसेंट से तो क्या दिक्कत है, ठीक है। एक आपने पूछा उसका डाउट, वो वीडियो वाला तो वो वीडियो स्टक ही हो गई थी, मुझे ही पता है, मैं तो ये डाउट करता हूँ ये हैंग नहीं हुई बीच में। हाँ, बट आपने हैंगिंग का तो कुछ बोला नहीं, तो थैंक यू, वीडियो मेरे को प्लॉट रिकॉर्ड नहीं करनी, पीछे से आगे से कंटिन्यू करना है। कंपलसरी फंक्शन सर, क्या क्या कंपलसरी फंक्शन सर? हम किसके पढ़ रहे थे? हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कंपलसरी ध्यान रखना पड़ा, दो तरह के फंक्शन होते हैं, कंपलसरी ऑब्लिगेटरी या फिर ऑप्शनल, ठीक है। आप इच्छा तो करो, नहीं तो करना तो मत करो। सर इसका इफेक्ट भी पड़ता है, कंपलसरी का इफेक्ट ये है कि लोगों का सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है, अगर ये नहीं करेंगे तो लोगों का सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा उनका सर्वाइवल। और जो ऑप्शनल होते हैं उसका इफेक्ट होता है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ना इम्प्रूव हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा इम्प्रूव, बेटर हो जाएगा थोड़ा सा। तो कंपलसरी फंक्शन जो कि सर्वाइवल के लिए जरूरी है, सर ऐसे कौन कौन से फंक्शन है? ये भी मैंने करा दिया था, प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी करा दिया था मैंने, अंडरटेकिंग पब्लिक सेफ्टी, अच्छा हो सकता है मैंने पढ़ा दिया हो, रिकॉर्ड ना भी हो, चलो पढ़ा देता हूँ, मेरे को ध्यान नहीं, मैंने पढ़े हैं, पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ईजी है। प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाना, सबको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, वाटर बोर्ड, वाटर की सप्लाई देना, सीवेज डिस्पोजल, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना। दीज फंक्शंस कैरियड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट, ये जो सारे फंक्शन होते हैं, ऐसा नहीं कि बस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करेगा, नहीं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अपनी ड्यूटीज को असाइन करेगा। हो सकता है किसी ने इलेक्ट्रिसिटी में इंजीनियरिंग कर रखी हो, तो वो बंदा इलेक्ट्रिसिटी वाला काम अच्छे से कर पाएगा, ठीक है, और वो अकेला भी नहीं कर पाएगा, उसको हॉस्टलों की जरूरत होगी। तो एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर वाले के लिए अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, सीवेज वगैरह के ध्यान रखने के लिए अलग से डिपार्टमेंट बना दिया। तो अलग अलग से डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का अलग से बोर्ड होता है, अपने वाटर का, जैसे आगरा में वाटर वर्क, वाटर वर्क आपने नाम सुना, वाटर वर्क है ना, तो उसका नाम क्या वाटर, पता नहीं लोग कैसे क्या प्रोनाउंस करते हैं उसका फुल फॉर्म, उसका प्रॉपर नेम है वाटर वर्क, पानी का काम, पानी काम होता है यहाँ पे, पानी का काम होता है, पानी काम करता है, वाटर वर्क। यहाँ पे बहुत बहुत मशीनें लगी हुई हैं अंदर जाके, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जहाँ पे ऑफिस है ना, अगर आप देखो वाटर वर्क में या पुलिस खड़ी रहती है लेफ्ट हैंड साइड में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस है, वहाँ पर पानी की सारी मशीन लगी हुई है, तो वहाँ पे काम होता है। तो वाटर बोर्ड होते हैं आगरा में, मतलब हर जगह पे, सीवेज का एक अलग सिस्टम होता है जहाँ पर सीवेज वगैरह संभालते हैं, नगर पालिका ही होती है ना, तो सब के अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पे उनके एक्सपर्ट बैठे होते हैं, इंजीनियर बैठे होते हैं, ठीक है, और उनको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ही अपॉइंट करती है एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, है ना। प्रोविजन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज लाइक प्रोविजन ऑफ हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, फैमिली वेलफेयर सेंटर, ये सारे बनाना, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का काम है। इट हैज़ टू ऑर्गेनाइज एंड कैरी ऑन सेफ स्पेशल पब्लिक हेल्थ मेजर्स, सर स्पेशल पब्लिक हेल्थ मेजर्स लो,
ताकि ट्रांसमिशन डिजीज होती हैं, ट्रांसमिशन वाले जो लोगों के मिलने से फैलती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, जैसे कोविड है, तो इनके लिए मेजर्स लेना ये भी इनका काम है। रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज से गंदगी हटाना, साफ सफाई कराना, डीलिंग विद अदर सिटी वेस्टेज, साफ सफाई कराना सिटी में, ये सारे प्रायोरिटी बेसिस पे फंक्शन है। द कॉरपोरेशन अपॉइंट इट्स ओन स्टाफ, ऐसा नहीं सर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहीं और से बुलाती नहीं, वो खुद अपॉइंट करती है, उनको खुद सैलरी देती है इन सारे कामों को करने के लिए। दरअसल इसका एक बेनिफिट ये भी कि काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। अगर आप इकोनॉमिकल परस्पेक्टिव से इसका बेनिफिट पूछे ना, इसका इकोनॉमिकल परस्पेक्टिव से कोई बेनिफिट होता ही, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है इससे, ठीक है। प्रोविजन ऑफ पब्लिक कन्वीनियंस, सर पब्लिक कन्वीनियंस मतलब क्या? आप जैसे कि ये तो हम बात पढ़ रहे हैं अर्बन की, है ना, पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो अर्बन नहीं है, वो तो स्टेट लेवल का केस है। दिल्ली, दिल्ली में क्या है लेडीज़ों के लिए, आई थिंक या तो फ्री है या फिर 50% ही कॉस्ट लगती है, नॉट श्योर, फ्री है आई थिंक। लेडीज़ों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है, लेडीज़ों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी भी टू सम एक्सटेंट फ्री है, पूरी की मेरे को नहीं पता, पर टू सम एक्सटेंट बिजली फ्री है। तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी स्टेट के लिए सब किया, तो वो उनका काम है। तो ऐसे अगर पब्लिक कन्वीनियंस, पब्लिक को बेनिफिट हो, पब्लिक यूटिलिटीज, रोड्स फ्री में देना, टोल चार्ज ना लगाना, बिल्डिंग्स वगैरह फ्री में तो खैर नहीं दे रहे, बस शेल्टर्स, बस वगैरह प्रोवाइड करना जैसे दिल्ली में है, डिमोलिशन ऑफ डेंजरस स्ट्रक्चर्स, कोई ऐसे पुराने स्ट्रक्चर्स हैं जो कभी भी डैम टूट सकते हैं कभी भी, है ना, जिसकी वजह से वो तो डेंजरस एक्सीडेंट हो सकता है, तो इनको पहले ख़त्म करा दो, इनको सही करा दो। प्लांटेशन, ये थोड़ी है कि मतलब आप दिल्ली में क्या केस हो गया है, आप तो बहुत प्लांट्स लगते आ रहे हैं, दिल्ली में क्या हो गया, मतलब ऑक्सीजन का जो लेवल है जिसे लेवल से मेजर करते हैं, मतलब वो बहुत ख़राब हो चुका है, तो उससे पहले या प्लांटेशन करना स्टार्ट करो ताकि वहाँ की जो एयर है वो थोड़ी प्योरीफाई हो सके। प्रोविजन ऑफ पब्लिक यूरिनल्स, पब्लिक टॉयलेट वगैरह बनाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। पब्लिक टॉयलेट बनाना सर क्यों ज़रूरी है अगर आप ये सोचते हो, तो स्वच्छता अभियान जो लेकर आया था ना कि लोग कहीं पर भी रोड साइड अगर करते हैं तो उनसे गंदगी फैलती है, ठीक है, तो पब्लिक टॉयलेट बनाओ ताकि लोग गंदगी ना फैलें, एक प्रॉपर एक जगह उन्होंने बनाई कि पब्लिक टॉयलेट है उनका यूज़ करो आप, ठीक है। प्रोविजन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइज ऑफ एडल्ट लिटरेसी क्लासेस, स्कूल एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड कराना, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग अंडरटेकिंग प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स पर भी ध्यान देना, ऐसा नहीं बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, स्पोर्ट्स पर भी ध्यान देना, गेम्स पर भी ध्यान देना, प्रोवाइडिंग नेसेसरी फैसिलिटीज हों, नीडेड हों वो प्रोवाइड कराओ। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ क्रीमेशन ब्यूरल ग्राउंड, सर बर्थ ऑफ डेथ रजिस्टर मेंटेन करना क्यों जरूरी है, इनकी ड्यूटी है या इनको रिपोर्ट देनी होती है कि यहाँ पर कितने लोग हैं, पॉपुलेशन का आइडिया आप कैसे लगाओगे? सर बर्थ रजिस्टर तो बताना पड़ेगा ना कि बर्थ रजिस्टर से पता चलेगा पॉपुलेशन पहले इतनी थी अब इतनी इंक्रीज हो गई, डेथ रजिस्टर से पता चलेगा कितनी कम हो गई, है ना, इन चीज़ें पता चलता है। और ये तो केवल एक मिनट रजिस्टर की बात में बताए, इससे बहुत बेनिफिट है, ठीक है। फिर जो क्रीमेशन ग्राउंड होते हैं, ब्यूरल ग्राउंड होते हैं, इनको मेंटेन करवाना, ये तो ये गवर्नमेंट का काम है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं होते इनके लिए, पब्लिक के, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं बेसिकली। अंडरटेकिंग ऑफ पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक की सेफ्टी का ध्यान रखना, सिक्योरिटी लाइक मेंटेनेंस ऑफ फायर डिपार्टमेंट टुगेदर विद फायर इंजीनियर इंजन, डिजास्टर लाइक फ्लड्स एंड अर्थक्वेक मैनेजमेंट ग्रुप एक्सेट्रा। प्रिपरेशन एंड पब्लिक प्रिपरेशन, पब्लिशिंग इशूइंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन, स्टेटिंग इट्स वेरियस एक्टिविटी प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हर साल में एक बार, मंथली एक बार, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मतलब कैसे भी उनका जो पीरियड उनका डिसाइड हो, वो उस बेस पर अपनी एक एनुअल रिपोर्ट निकालेंगे। एनुअल मतलब तो ईयरली हो गया, तब हर साल में एक बार रिपोर्ट निकालेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने क्या क्या करना है, क्या क्या करने की बात है, क्या क्या किया, क्या क्या नहीं, है ना, बताएंगे लोग तो उसे समझ पाएंगे कि हाँ हमारे यहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, तब ये चीज़ पब्लिश करते हैं। तो बहुत सारे काम तो कंपलसरी इनको करने ही करने थे, ये तो बहुत सारे काम जो कंपलसरी इनको करने ही करने थे, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शनल पे, डिस्क्रिशनरी ऑप्शनल, ऐसे फंक्शन जिससे क्या हो पब्लिक का बेनिफिट हो, पब्लिक का क्या हो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो इम्प्रूव हो,
हो। लाइक पब्लिक हाउसिंग थ्रू हाउसिंग बोर्ड। सर लोगों को मतलब थोड़ा अपने क्या नाम है अपना स्वरोजगार योजना नहीं आवास विकास योजना, आवास विकास योजना ये तो फिर स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल पे है ना। लेकिन एग्जाम्पल में ये भी क्या है, एक पब्लिक हाउसिंग स्कीम ही है बेसिकली, कि लोगों को घर लोगों को इंक्रीज करना, थोड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करना कि हर किसी के पास कम से कम एक घर तो हो अपना, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क बनाना, लाइब्रेरीज बनाना, म्यूजियम्स बनाना, थिएटर बनाना, अखाड़े बनाना, पिकनिक रिजॉर्ट्स बनवाना, है ना। ये सारे देख आप, इन सब ये ज़्यादा बहुत चीज़ नहीं है कि इनके बगैर रह नहीं सकते हो, लेकिन ये वो है जैसे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना वो इम्प्रूव हो रहा है। इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग चिल्ड्रंस होम्स जो ऑर्फन होते हैं उनके लिए, ऑर्फनेज है ना, ओल्ड एज होम्स जिनके बच्चे नहीं है, नाइट शेल्टर एंड रेस्ट हाउसेस, अंडरटेकिंग वेलफेयर स्कीम्स काफी निकालना, ऑर्गेनाइजिंग फेयर्स मेले वगैरह कराना, फंक्शंस मेला, ब्यूटिफिकेशन सिटी सिटी को साफ कराना, ये सारे वॉलेंट्री फंक्शंस थे, ऑप्शन फंक्शंस थे। ठीक है, अब आते हैं म्यूनसिपल कमेटी क्या है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के फंक्शंस हमने पढ़ लिए, अब होते हैं म्यूनसिपल कमेटी। म्यूनसिपल कमेटी तो म्यूनिसिपल कमेटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या डिफरेंस था? कोई डिफरेंस नहीं है। इट इज जस्ट लाइक अगर मैं लिखूँ म्यूनिसिपल, म्यूनिसिपल नहीं लिख रहा मैं, एम लिखता हूँ, एम क्यों नहीं लिखा, ये एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ठीक है, एक म्यूनिसिपल कमेटी है ठीक है, दो का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तीसरा नहीं लिख रहा, तीसरा भी है। तो सपोज करो एक होता है छोटा सा फ्लैट, एक होता है छोटा सा फ्लैट, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ज्यादा वो मैं चलाना डेप्थ में, सर ये तो अजीब है, एक लॉजिक समझना बस मैं कहना क्या है। और एक यहाँ पे होता है पूरा बेंगलोर बंगला है ना, बेंगलोर बोलते हैं एक थिंग है ना। तो घर में एक दो लोग रहते हैं, घर में आपके एक दो ही लोग हैं, क्या बेंगलोर बंगला एक बंगला बनाओगे अपने लिए, छोटा सा फ्लैट का रहते ले लोगे? एक दो ही लोग हैं, बस दो ही लोग हैं केवल, क्या आपको सही लगता है छोटा सा फ्लैट लो ना केवल, क्यों अनेसेसरीली आप इतना खर्चा कर रहे हो? लेकिन सब कुछ करो 10 में, सर दो लोग नहीं है 20 लोगों की फैमिली है, फिर तो आपको बंगला लेना पड़ेगा पूरा, लेना पड़ेगा। तो इसी तरह से ये है सर, हैं दोनों रहने की, दोनों में बेसिकली बेनिफिट कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस तो पर्पस है कि आप उसको किस तरह से यूज कर रहे हो ठीक है। तो म्यूनिसिपल कमेटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, स्टेट लोकल गवर्नमेंट के ठीक है, क्योंकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तभी से बहुत सारे लोग हों, आई थिंक 2 लाख से 10 लाख से ऊपर की लिमिट थी वो है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन छोटे लोगों के लिए, स्पेसिफिकली टाउन्स के लिए ठीक है, समझ लो क्या आप थिंक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूनिसिपल कमेटी की डेफिनेशन बता रहे, म्यूनिसिपल कमेटी बता रहे हैं ये वो है जो सेटअप की जाती है छोटे छोटे टाउन्स के लिए, इनको हम म्यूनिसिपल बोर्ड्स बोर्ड्स भी बोलते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज भी बोलते हैं ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन इज मोर लेस सिमिलर दिस और देयर ऑर्गेनाइजेशन, एंड इनका जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरह मिलता जुलता है, जब एक ही चीज़ तो मिलता जुलता हो गई ना, फ्लैट में बाथरूम होते हैं तो क्या और बंगलों में बाथरूम नहीं होते क्या, फ्लैट में रूम्स होते हैं रहने के लिए तो क्या बंगलों में नहीं होते क्या, तो मोरलेस सिमिलर ही होते हैं। हाँ बंगलों का जो एक्स्ट्रा होगा वो फ्लैट में एक्स्ट्रा नहीं होगा ठीक है, तो उस हिसाब से तो मोरलेस लिखा हुआ है, एग्जैक्ट सेम नहीं होते सिमिलर होते हैं। ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज दीज हैव जनरली 3 रूम्स, सर इनके क्योंकि छोटे होते हैं तो इनके तीन ही लेवल होते हैं इसमें, एक जनरल बॉडी लेवल पर एक चेयरमैन प्रेसिडेंट और एक सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर सेक्रेटरी है ना, 3 विंग्स होते हैं।
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे आपने तो चार पढ़े थे, चार पढ़े थे ना, आपने डी तक पढ़े थे, यहाँ पे तीन ही है केवल, यहाँ पे क्या है, तीन ही है। पढ़ने जाते से पहले ही जनरल बॉडी है ना, जनरल बॉडी सर, जनरल बॉडी में इलेक्ट होने के लिए कुछ क्राइटेरिया वगैरह है। हाँ तो देखो, द मेंबर्स ऑफ द जनरल बॉडी ऑफ म्यूनसिपल कमेटी आर कॉल्ड काउंसलर्स। सर इन लोगों को भी काउंसलर्स बोला जाता है, म्यूनसिपल कमेटी के मेंबर्स को, म्यूनसिपल कमेटी के जनरल बॉडी होती है ना उसके मेंबर्स को काउंसलर बोला जाता है। दे आर इलेक्टेड फ्रॉम म्यूनसिपल वार्ड, इनके भी इलेक्शन कराए जाते हैं और ये अपने बॉर्ड में रहते हैं। बॉर्ड मतलब एक छोटा सा एरिया वार्ड है ना, वहाँ के लोग इनको इलेक्ट करते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। सर अब कितने मेंबर्स होंगे जनरल बॉडी में, तो डिपेंड करता है टाउन में और सिटी में कितने लोग हैं उस हिसाब से। एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन टू द जनरल बॉडी ऑफ म्यूनसिपल कमेटी इज आर सेम, यहाँ पे बट सिमिलरली लिखा, सेम लिखा यानी एग्जैक्ट एज इट इज है। और जो वहाँ पर 21 साल, 25 साल, इंसॉल्वेंट, जितनी भी कंडीशन थी ना वहाँ पे वो सारी हैं, ठीक है, सेम है। टर्म 5 ईयर्स, टर्म 5 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू नगर पालिका एक्ट, ऑल रूरल एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज हैव अ यूनिफॉर्म टर्म ऑफ 5 ईयर्स इन ऑल स्टेट्स को कह रहे। ये तो एक्ट है, यहाँ पे कोई स्टेट नहीं चलेगी, यहाँ पे कोई स्टेट का लॉ नहीं चलेगा, तो एक एक्ट है, चाहे रूरल गवर्नमेंट हो चाहे अर्बन हो, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट हो, सब का टाइम जो रहेगा 5 साल ही रहेगा, ठीक है। अभी इनसे लिखा हुआ है जैसे ये फ्लाई ओवर जो बना हुआ है ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बनवाया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखते हैं। चेयरमैन और प्रेसिडेंट सेकंड लेवल पे, अ चेयरपर्सन एंड अ वाइस वाइस चेयरपर्सन आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, इनको इनडायरेक्टली, डायरेक्ट पब्लिक इनको इलेक्ट नहीं करती, इनडायरेक्टली करती है। इनडायरेक्ट मतलब पब्लिक नहीं करेगी, पब्लिक की जगह उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो उन्होंने जनरल बॉडी में इलेक्ट किए थे वो उनको क्या करेंगे, बाय द मेंबर्स, तो उनको वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इलेक्ट करेंगे। द चेयरपर्सन ऑफ म्यूनसिपलिटी हैंडल्स वास्ट पावर, से चेयरमैन के बहुत ज़्यादा पावर होती है। हिज फंक्शंस आर सिमिलर टू दोज ऑफ द मेयर, सर इसके फंक्शन बिल्कुल मेयर की तरह होते हैं, तो आप उनको प्रेफर करो, ठीक है। सीईओ लास्ट लेवल जो होता है यहाँ पे, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज एन अपॉइंटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सर ये इसको इनको अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट करते हैं, यूजुअली बिलोंग्स टू द स्टेट सिविल सर्विसेज, और बेसिकली स्टेट सिविल सर्विसेज इनको उससे बिलोंग करते हैं, उसके लिए एग्जाम को क्लियर करना होता है। ही लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ऑफ द म्यूनसिपल कमेटी, तो म्यूनसिपल कमेटी में जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला डिपार्टमेंट होता है ये उसको एडमिनिस्टर करते हैं बेसिकली। अदर सर बस ये दो यही तीन होते हैं ना, ये तो मेजर तीन थे, छोटे मोटे तो और भी होते हैं, लाइक इन द केस ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपल कमेटी ऑल्सो है वेरियस डिपार्टमेंट लाइक एजुकेशन हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, टैक्सेशन डिपार्टमेंट, ये भी होते हैं। दिस डिपार्टमेंट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स एंड इंजीनियर्स और अदर एक्सपर्ट्स, ये किसी ना किसी और के कंट्रोल में होते हैं, एंड और भी होते हैं, मतलब वो ऊपर जो तीन लिखे ना वो मेन थे वो, ठीक है। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, सर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में और लोकल गवर्नमेंट में क्या कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन रहता है, तो फटने जरा दो सेकंड रुकना। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर आ डिस्टिंक्शन हैज ऑलरेडी बीन ड्रॉन बिटवीन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट एंड द लोकल गवर्नमेंट, एंड द लोकल गवर्नमेंट, वो कह रहे हैं एक डिस्टिंक्शन जो डिफरेंस था वो तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द लोकल गवर्नमेंट इन एन एरिया फंक्शन इन एन एरिया सॉरी द लोकल गवर्नमेंट इन एरिया फंक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल अंडर द ओवरऑल चार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्यूटी कमिश्नर, वो कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट की होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की होती है, ओनली लोकल गवर्नमेंट की बात होती है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो होती है उनके जो फंक्शन होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं। अब वो भी किस क्या वो सुपीरियर होते हैं, नहीं, वो किसके अंडर में काम करते हैं, वो इंचार्ज यानी उनके वो किसके अंडर में काम करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्यूटी कमिश्नर के अंडर में काम करते हैं। सर डिप्यूटी कमिश्नर कौन होते हैं बताया नहीं उन्होंने,
अ डिप्यूटी कमीशन ऑफन कंबाइंस बोथ दिस फंक्शन। डिप्टी कमिश्नर ऑलमोस्ट दोनों फंक्शन को कंबाइन करता है। ही इज ऑल्सो द हाईएस्ट ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट ऑफिसर होता है। सर किस फील्ड में? फॉर द पर्पज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन की बात किया है तो ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सबसे हाईएस्ट ऑफिसर होता है। एंड इज देयर फॉर ऑल्सो कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसलिए इनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही बुलाता है क्योंकि टैक्स वाले क्या करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं ना, तो ये कलेक्टर हो गए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बुलाता है। अपॉइंटमेंट, द डिप्यूटी कमिश्नर बिलोंग्स टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस डिपार्टमेंट, यानी ये इनको आईएएस का एग्जाम के लिए करके आने होते हैं। एंड इज अपॉइंटेड स्टेट गवर्नमेंट, इनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्यूटी कमिश्नर इज हाईली ट्रेंड ऑफिसर इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर। आई डोंट थिंक आईएएस, मुझे कुछ आपको मुझे कुछ समझाना है, समझ गए होंगे ठीक है। अदर ऑफिस बेयरर्स क्या होते हैं? अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हेडिंग वेरियस डिपार्टमेंट्स वर्क अंडर द डिप्यूटी कमिश्नर। वो कह रहे हैं इनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं सर। लाइक कुछ एग्जाम्पल दो। अमंग दीज ऑफिसर्स सम आर एक्सक्लूसिवली डेप्यूटेड टू रूरल एरियाज विद वेराइटीज ऑफ ड्यूटीज। सर कुछ कुछ को तो रूरल एरियाज में भेजा जाता है अलग अलग ड्यूटीज के लिए। दिस इंक्लूड तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगोज, लेखपाल, पटवारी, है ना, ऑल कंसर्न विद प्रिपरेशन मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड रेवेन्यू। सारे घर लैंड रिकॉर्ड्स एंड रेवेन्यू कलेक्शन में कंसर्न रहते हैं डिस्ट्रिक्ट से लेकर विलेज तक, है ना। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल लॉ एंड ऑर्डर इज लुक्ड आफ्टर बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। वो कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की है तो जो पुलिस के सुपरिटेंडेंट होते हैं उनको ध्यान देना पड़ता है, उसको हम एसपी बोलते हैं शॉर्ट में। तो एसपी किसको कहते हैं? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अंडर हिम वर्क डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट्स, उनके नीचे डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट्स और डीएसपी, फिर उनके नीचे इंस्पेक्टर एंड देन सूबेदार, जिनको क्या बोलते हैं, इनको हवलदार कहते हैं, इनको हवलदार ठीक है, माने सबसे छोटा हवलदार, फिर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, फिर डीएसपी, फिर एसपी, उनसे ऊपर भी होते हैं डीजी, डीआईजी वगैरह। अ नंबर ऑफ विलेजेस आर प्रोवाइडेड अ पुलिस चौकी। एक पुलिस चौकी बहुत सारे विलेज को संभालती है। एंड चौकीदार इज ऑल्सो प्लेस्ड ऑन द ड्यूटी इन ईच विलेज। हर एक किसी ना किसी एक को भेजा जाता है हर विलेज की चौकीदारी करने के लिए। अदर इंपॉर्टेंट ऑफिसर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इंक्लूड चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ, इंस्पेक्टर ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई हो रही है कि नहीं हो रही, स्कूलों की चेकिंग करने के लिए, एंड डिस्ट्रिक्ट जज ठीक है। ऑल ऑफ दीज गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क इन क्लोज कोऑपरेशन, सारे के सारे साथ में काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन विद द पंचायत ऑफन थ्रू द वीडियो। अब वो कह रहे हैं पंचायत से जब बात होती है इनकी तो वीडियो के थ्रू होती है। फर्दर द डिप्यूटी कमिश्नर इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड ऑन द जिला परिषद, देयरफॉर ही ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द पुलिस एंड प्रोग्राम्स ऑफ पंचायत पंचायत। वो कह रहे हैं जो डिप्यूटी कमिश्नर जो होता है ना वो जिला परिषद को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी वजह से उनके जो फंक्शन होते हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। फंक्शन क्या है सर इनके? द डिप्यूटी कमिश्नर इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उनका सीईओ होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एज सच ही परफॉर्म ऑलमोस्ट एवरी फंक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट के एस्पेक्ट ऑफ सारे फंक्शन करते हैं। तो कोई एग्जाम्पल दो सर, कुछ ने एग्जाम्पल दिए हैं सेवन, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, मेंटेनेंस एंड अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड, लॉ एंड ऑर्डर, सुपरविजन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल प्लान्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट, प्रोविजन ऑफ सिविक एमिनिटीज एंड एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक वर्क, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पुलिस एंड प्रोग्राम्स इन रेस्पेक्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, सुपरसेशन, डिसोल्यूशन, होल्डिंग ऑफ इलेक्शन एटसेट्रा इन रेस्पेक्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। खत्म। एक टेबल पढ़ लेते हैं इनका डिफरेंस क्या है दोनों में मेजरली। ये बड़े शहर छोटे शहरों के लिए, छोटे शहरों के लिए इन यहाँ का जो हेड होता है मेयर होता है, यहाँ का जो हेड होता है वो चेयरपर्सन एंड प्रेसिडेंट होता है। इनके पास ज़्यादा पावर होती हैं और ज़्यादा सोर्सेज ऑफ फंड होते हैं, इनके पास कंपेरेटिवली कम होते हैं, कंपेरेटिवली लेस होते हैं। ये सीधा म्यूनसिपल गवर्नमेंट सीधा स्टेट गवर्नमेंट से डील करते डायरेक्टली, और ये स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली यानी थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी थ्रू कह सकते हो थ्रू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पहले इनको बताएंगे फिर ये उनको बताएंगे ठीक है। चार डिफरेंस थे और कुछ था नहीं ठीक है। चैप्टर में कुछ है नहीं, होमवर्क है आपका ये।